हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। पलम्स लॉकडाउन सीरीज में ज्योग्राफी देख रहे थे और इस क्लास में हम लोगों ने लास्ट में देखा था कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। जैसे हम लोगों ने इंडियन मॉनसून देखा था और उससे रिलेटेड क्लाइमेटिक इवेंट के बारे में हम लोगों ने देखा था। काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन थी जिसको कि आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। इसी कॉम्प्लेक्सिटी को और जरा आगे बढ़ते हैं और थोड़े से और कॉम्प्लेक्स टॉपिक और रीसेंट की डेवलपमेंट्स ले लेते हैं। जैसे पोलर वर्टेक्स हो गया, ओमेगा ब्लॉक हो गया या हीट वेव के कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन सबसे रिलेटेड चीजों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। दिस डिस्कशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ये रीसेंट की ही चीजों को ज्यादा फोकस करते हैं, तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम चैनल में डिस्कस कर सकते हैं या फिर अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट, लेट अस कंप्लीट एंड लेट अस क्रैक, बट बिफोर दैट दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड दीज आर सम ऑफ द अवेलेबल कोर्सेज विद द प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल एंड टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन सब्सक्रिप्शन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में। हालांकि हम लोगों ने कुछ हद तक देख रखा था सिस्टम के बारे में, लाइक जेट स्ट्रीम वगैरह देखा था, थोड़ी सी और इसका डिस्कशन करेंगे और इसी डिस्कशन को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को उठाएंगे। सबसे पहले जियोस्ट्रॉफिक विंड के बारे में बात कर लेते हैं। बात करने से पहले अगेन पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमारे पास अगर बात किया जाए तो विंड सिस्टम में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास तीन तरीके के विंड होती हैं। एक हम लोगों ने देखा था जिसे हम लोग प्लैनेटरी विंड कह रहे थे या जिसे हम लोग परमानेंट विंड बोल रहे थे। इस परमानेंट विंड में वही आपकी जो ट्रेड विंड्स हो गई, ईस्टर्ली हो गई, वेस्टर्ली हो गई, इससे रिलेटेड डिस्कशन था। दूसरा जो हम लोगों ने टाइप देखा था वो थी पीरियोडिक विंड्स। इस पीरियोडिक विंड में हम लोगों ने देखा था इंडियन मॉनसून विंड के बारे में, साथ ही साथ सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद लास्ट में हम लोगों ने देखा था लोकल विंड, और लोकल विंड को हम लोगों ने बेसिकली मैप मेकिंग क्लासेस में देखा था। अब देखिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आप कोई भी विंड लेते हैं या कोई भी पार्टिकल ले लेते हैं, इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, फटाफट देख लेते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। फर्स्ट फोर्सेस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, पीजीएफ, जिसको हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स भी बोलते हैं। ये प्रेशर ग्रेडियंट क्यों है, आपको पता है, सीधी सी बात है कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर के साइड में बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी ट्रोपोस्फियर में, यह हमारी जो ट्रोपोस्फियर है, इस ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता जाता है। टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर प्रेशर भी डिक्रीज करते जाता है। तो प्रेशर डिक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमें ग्रेडियंट देखने को मिल जाएगा। इस ग्रेडियंट के अलावा इसके ऊपर एक और फोर्स लगती है, दिस इज द एमजी फोर्स, या फिर कह सकते हैं कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर एक पॉइंट ये भी आ गया। तीसरी जो पॉइंट होती है वो होती है कोरियोलिस फोर्स, एंड दिस कोरियोलिस फोर्स कैन बी इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, इट डिपेंड्स कि कहां पर ये पॉइंट सिचुएटेड है। तो ये बेसिकली हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स, एंड दिस कोरियोलिस फोर्स इज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये हो जाएगी रोटेशन ऑफ द अर्थ के कारण से। कई बार आप लोगों ने सुना होगा बाइंड फोर्स। देखिए, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को ही हम लोग बोलते हैं कि ये बेसिकली बाइंड फोर्स है, ठीक है। ये बाइंड फोर्स बेसिकली क्या होता है, ये होता है फ्लूड फोर्स, फ्लूड के कारण से लगता है, और हमें पता है कि गैसेस भी एक तरीके की फ्लूड ही होती हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी कोई भी पार्टिकल है, अब अगर प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं तो ये दोनों तो कट गया, एंड नाउ मूवमेंट ऑफ दिस पार्टिकल विल बी इन दैट डायरेक्शन वेयर दिस कोरियोलिस फोर्स विल लीड। जहां पर भी कोरियोलिस फोर्स ये लेकर के जाएगा इसको, वहीं पर इसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो इस मूवमेंट को या तो हम इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, या तो हम इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, या हम इस डायरेक्शन में देख सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपकी पोजीशन कैसे हो रही है। एक चीज यहां पर आपको सामने देखने को मिलेगी, जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये अपने राइट डायरेक्शन में मूव कराता है। जब हम लोग नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो ये अपने राइट डायरेक्शन में मूव कर गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे यहां पर साउथ हेमिस्फीयर में, तो जो कोरियोलिस फोर्स होता है ये अपने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करा देगा, एंड दैट डायरेक्शन विल बी इन जो हमें लोगों ने ये तीसरा पॉइंट बनाया है, ये हो जाएगी आपकी
लेफ्ट डायरेक्शन। लेकिन जब लेफ्ट डायरेक्शन एक्चुअल में आप लोग देख रहे होंगे तो आप यहां पर अगर पोजीशन पे खड़े हैं अगर तो आपको अगेन ये राइट ही दिख रहा होगा। तो बेसिकली जो हवा है वो सिमिलर टाइप की देखने को मिलेगी, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको विंड डायरेक्शन चेंज मिलेगा अगर आप उस पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं तो। अदरवाइज अगर आप आउटर स्फीयर से देखेंगे, मतलब कि अर्थ अगर यहां पर है और अगर आप बाहर से स्पेस से खड़े होकर देखेंगे तो ऑब्वियसली आपको लेफ्ट और राइट इस तरीके के देखने को मिल जाएगी। तो एक आइडिया लग गया होगा कि आपको बेसिकली मूवमेंट ऑफ द एयर किस तरीके की होने वाली है। इधर इट विल बी ऑफ पैटर्न नंबर वन और पैटर्न नंबर टू और पैटर्न नंबर थ्री। अब जरा इसको इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास अब जो विंड होगी वो डायरेक्शन कुछ इस तरीके से हो सकता है, और अगर तीनों को मिला देते हैं हम तो बेसिकली एक पैराबोलिक पाथ आ जाएगा। ये जो पाथ हम लोगों ने बनाया है इसे पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। ये जो पैराबोलिक पाथ है ये बेसिकली पीजीएफ जब ग्रेडियंट, मतलब कि ग्रेविटेशन के कारण से जो भी फोर्स लग रहा है और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण से जो भी फोर्स लग रहा है वो आपस में बैलेंस होने के बाद कोरियोलिस फोर्स के कारण से, मूवमेंट के कारण से आता है। एंड एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा यहां पर जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और mg एक दूसरे को बैलेंस कर लिया जाएगा और ये विंड केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही होगी, और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है ये केवल और केवल कोरियोलिस फोर्स के कारण से हुआ है। इस तरीके की विंड को जो हॉरिजॉन्टल में चलती है, इस तरीके की विंड को हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्लियर हो गया। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या चीज होती है? जहां पर मूवमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और ग्रेविटेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये दोनों आपस में बैलेंस कर ले जाएंगे। एंड द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ द एयर विल बी कोरियोलिस फोर्स, और इस कारण से डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था जेट स्ट्रीम के बारे में, और जेट स्ट्रीम में अगेन यही चीज देखा गया था कि इसका भी मोशन हॉरिजॉन्टल ही मोशन था, ऑल्दो यहां पर कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिल गए थे और ये वेरिएशन बेसिकली अप एंड डाउन डायरेक्शन इस तरीके से था, चाहे वो वर्टिकल में हो चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो, दोनों ही तरीके से हमें इस तरीके का वेरिएशन देखने को मिला था। लेकिन मूवमेंट बेसिकली इसका हॉरिजॉन्टल ही है। तो वी कैन सी और वी कैन कंक्लूड दैट जेट स्ट्रीम इज अ टाइप ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। क्लियर हो गया। इसी जेट स्ट्रीम को हम लोग बोलते हैं रॉसबी वेव्स। रॉसबी वेव्स क्लियर हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने चीजें डिस्कस कर ली, जियोस्ट्रॉफिक विंड, जेट स्ट्रीम एंड रॉसबी वेव। फटाफट चलते हैं और थ्योरी को एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको एक कंप्लीशन मिल जाए। तो फटाफट देखते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड को। द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड आर द नेट रिजल्ट ऑफ द विंड जनरेटिंग फोर्सेस। विंड जनरेटिंग फोर्स कोरियोलिस फोर्स है, जहां पर वेलोसिटी और इसका डायरेक्शन ही विंड का नेट रिजल्ट होगा, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्चुअल में निकल करके आ रहा है, क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स ही केवल और केवल वर्क कर रहा है। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो नलीफाई हो गया है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से। तो इस तरीके से यहां से आप ये स्टेटमेंट नंबर वन समझ सकते हैं। द विंड इन द अपर एटमोस्फियर। अब देखिए, ये जितनी भी विंड चल रही है वो अपर एटमोस्फेरिक विंड ही कहलाएंगी, जो 2 से 3 किलोमीटर अबव द सरफेस चल रही है, आर फ्री फ्रॉम द फ्रिक्शनल इफेक्ट ऑफ द सरफेस। यानी कि यहां पर जो भी एडवेक्शन के कारण से, या फिर कह लीजिए कि एडवेक्शनल इफेक्ट जो आ रहा था बिकॉज ऑफ द कोल्ड और वार्म सरफेस ऑफ द लैंड, तो उसके कारण से जो भी इफेक्ट आ रहा था उस इफेक्ट को यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर बेसिकली कहने का मतलब यही है कि कुल मिलाकर के देयर विल ओनली बी 3 फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग ऑन द एयर, एंड दैट विल बी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, सेकेंड वन ग्रेविटेशनल फोर्स, थर्ड वन कोरियोलिस फोर्स। तो 3 फोर्स ही केवल लगने वाले हैं। यहां पर जो एडवेक्शनल फोर्स था वो काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एडवेक्शन का इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। And are controlled by pressure gradient and the Coriolis force। ये आपको समझ में आ गया चीज क्या हम लोग बात कर रहे हैं। Air parcel initially, इसको एक बार erase कर देता हूं मैं ताकि clarity दिखेगा। Air parcel initially at rest will move from high pressure to low pressure because of the pressure gradient force। ये तो आपको पता ही है कि यहां पर pressure gradient के कारण से ही movement देखने को मिलता है। However, as the air parcel begin to move, it is deflected by the Coriolis force in the right direction of the north hemisphere and left में southern hemisphere में हो जाता है।
As the wind gains speed, the deflection increase until the Coriolis force equals the pressure gradient force, or ultimately इस तरीके से हमें movement देखने को मिल जाती है. In this point, the wind will be blowing parallel to the isobar, perpendicular to the pressure gradient force. When this happens, the wind is referred to as geostrophic wind. तो इस तरीके से जब ये horizontal movement करना शुरू कर देगा, तो obviously यहाँ पर एक single pressure line होगी, और इस single प्रेशर लाइन के कारण से यहां पर जो भी फोर्स देखने को मिलेगा वो आइसोबैरिक फोर्सेस होंगे. एंड व्हेन दिस हैपन दिस इज कॉल्ड एज जियोस्ट्रोफिक विंड. इसके बारे में हम लोग समझ गए हैं, डिस्कस कर लिए हैं. आगे बढ़ते हैं जेट स्ट्रीम के बारे में, फटाफट देख लेते हैं. ऑल तो इसके बारे में लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने काफी डिटेल डिस्कशन किया था. सरफेशियल इसको मूव करते हैं क्योंकि आगे कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं जिनको हम इन्हीं की मदद से डिस्कस करेंगे. तो जेट स्ट्रीम एक तरीके की सरकम पोलर विंड्स होती है. सरकम पोलर का मतलब क्या होता है, ये मान लेते हैं कि हमारी अर्थ है. सपोज दिस इज आवर अर्थ, तो यहां पर ये बेसिकली इस तरीके से विंड चलती है जिसको हम लोग पूरे अर्थ पे देख सकते हैं. इन दीज लैटिट्यूडिनल बैलेंस, इन दोनों के बीच में हम लोग देख सकते हैं. यहां पर दो तरीके की होती है, एक चल रही होती है जो पोलर एरिया में होती है उसको हम लोग बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम. दूसरी जो चल रही होती है सब ट्रॉपिकल के फॉर्मेट में चलती है, इसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, क्योंकि ये बेसिकली 30 टू 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में चल रही होती है. ये जेट स्ट्रीम नॉर्थ और साउथ दोनों ही जगहों पे पाई जाती है, लेकिन हम लोग नॉर्थ वाला ज्यादा रीड करते हैं क्योंकि यहां पर लैंड ज्यादा है जिसके कारण से यहां पर जेट स्ट्रीम का इफेक्ट हमें ज्यादा देखने को मिल जाता है. ये नैरो कंसंट्रेटेड बैंड ऑफ मेंडरिंग होती है. हम लोगों ने बात किया ही था अपने लास्ट क्लास में कि ये पतली एक लैटिट्यूडिनल लाइन होती है और उसी के बीच में ये इस तरीके से मेंडरिंग करते हुए चलती हैं. मेंडरिंग करने का रीजन था प्रेशर का, जो भी हल्का फुल्का डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा उसके कारण से, हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर, साथ ही साथ में कोरियोलिस फोर्स था जो इसको वर्टिकल मूवमेंट दे रहा था. ये अपर ट्रोपोस्फेरिक में चलती है क्योंकि नीचे तो आपको दो सेल मिल जाएंगे, जैसे यहां पर आपको मिल जाएगी आपकी हेडली सेल रहेगी, सिमिलरली आगे आपको फेरल सेल मिल जाएगी, सिमिलरली आपको आगे जाकर के पोलर सेल मिल जाएगी. इन लोगों के ऊपर में जो मूवमेंट होती है, मतलब कि एक्चुअल में मूवमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन, लेकिन ये बाहर की ओर में आते हुए इस तरीके से दिखेगा. तो ये अपर एयर सर्कुलेशन ही होती है, अपर ट्रोपोस्फियर में ही पाई जाती है. हाई वेलोसिटी होती है, सीधी सी बात है क्योंकि यहां पर प्रेशर हल्का सा भी मिलेगा तो बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फियर, क्योंकि यहां पे एटमॉस्फियर बहुत कम होता है, 99% एयर जो होती है 99% एटमॉस्फियर ट्रोपोस्फियर में ही खत्म हो जाती है, इस कारण से हाई वेलोसिटी रहेगी. दीज आर कॉल्ड एज जियोस्ट्रॉफिक स्ट्रीम्स. तो ये जियोस्ट्रॉफिक स्ट्रीम्स ही होती है जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया है. दिस विल बी बाउंडेड बाई लो स्पीड विंड्स एंड आर अ पार्ट ऑफ अपर लेयर वेस्टर्लीज. तो ये बेसिकली वेस्टर्लीज होती है बिकॉज दे आर कमिंग फ्रॉम द वेस्ट डायरेक्शन, तो वेस्ट डायरेक्शन से ये निकल के आ रही होती है, इसलिए इसको हम लोग वेस्टर्ली बोलते हैं. हालांकि इसका एक एक्सेप्शनल इफेक्ट हम लोगों ने देखा था तिब्बतन प्लेटू के रूप में, जहां पर सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम निकल के आती है, लेकिन ये मॉनसूनल इफेक्ट होता है, इंसुलेशन ऑफ तिब्बत के कारण से होता है. आगे हम लोग बात करते हैं जरा रॉस्बी वेव के बारे में. हालांकि रॉस्बी वेव एक तरीके की जेट स्ट्रीम ही होती है, इनफैक्ट कई बार जेट स्ट्रीम को रॉस्बी वेव के नाम पे लिख दिया जाता है. तो द मियंटरिंग जेट स्ट्रीम, इन्हीं को हम लोग रॉस्बी वेव्स बोलते हैं. इस तरीके की जो वेव्स होती हैं उसी को हम लोग रॉस्बी वेव बोलते हैं. द वेव्स आर नेचुरल फिनोमेना इन द एटमोस्फियर एंड ओशियन ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. रोटेशन ऑफ द अर्थ का मतलब क्या हो गया, कोरियोलिस फोर्स के बारे में यहां पर बातें की जा रही है. इन द प्लैनेटरी एटमोस्फियर they are due to variation in the Coriolis force. When temperature contrast is low, speed of jet stream is low. Coriolis force जब weak रहेगी तो meandering इस तरीके से हमें देखने को मिल जाएगी. Rossby waves are formed when polar air moves equator while the tropical air is moving poleward. तो ये क्या चीज है, इसको हम लोग आगे अभी इसको apply करके देखेंगे, इससे related discussion भी करेंगे. The existence of these waves explain the लो प्रेशर सेल एंड हाई प्रेशर सेल एंटीसाइक्लोन, इस तरह से जनरेशन होता है. नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी डाइवर्स
पॉइंट यहां पर हमें देखने को मिलेगा इन द फॉर्मेट ऑफ पोलर वर्टेक्स। फटाफट पहले इसको डिस्कस करते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर उसके बाद से इसका डिस्कशन करेंगे कि आखिर में क्या चीज है। पहले एक बार पोलर वर्टेक्स आपको मैं दिखा देता हूं ताकि आपको क्लैरिटी दिख जाएगी कि आखिर में क्या है। ये देखिए पोलर वर्टेक्स है। अब पोलर वर्टेक्स का पहले इफेक्ट देख लेते हैं। पोलर वर्टेक्स के कारण से जैसे मान लेते हैं कि हमारी सपोज ये हमारी अर्थ है, सपोज दिस इज आवर अर्थ, और अर्थ पे आपको पता है कि पोलर इलाके में हमारे पास अगर मान लेते हैं नॉर्थ अमेरिका है सपोज, तो पोलर इलाके में कैनेडा का एरिया पड़ता है एंड कुछ पार्ट जो है वो मतलब कि यूएसए का पड़ता है, तो कुछ पार्ट केवल पड़ता है, इनफैक्ट वी कैन से दैट द अपर मोस्ट पार्ट ओनली। तो यहां पर कैनेडा के पास में ये इलाका फ्रिजिड जोन के रूप में आना चाहिए, लेकिन वॉट इफ दिस फ्रिजी जोन ये आ जाए अगर यूएसए तक भी अगर ये क्लाइंब करके आ जाए, तो फिर इस पूरे फिनोमिना को ही बोला जाता है पोलर वर्टेक्स। और ये जो पोलर वर्टेक्स का इफेक्ट है वो यूएसए में रिसेंट के दिनों में काफी ज्यादा देखने को मिला, और इसी कारण से यहां पर इस तरीके की परमा फ्रॉस्ट क्लाइमेट देखने को मिली है। जैसे यहां पर देख सकते हैं आप की पूरी आइस ग्लेशियर से ढक गई है। सिमिलरली देखिए ये भी फोटो है, यूएसए की ही फोटो है, यहां पर भी सारा जो भी सरफेस है, जो भी रोड वगैरह है, सब कुछ बर्फ से ढक गई है। तो ये बेसिकली इफेक्ट हुआ था पोलर वर्टेक्स के कारण से ही, और इस पोलर वर्टेक्स के होने के कारण से फिर अल्टीमेटली डिस्कशन स्टार्ट हुआ कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस, ये क्या चीज है, कहां से आया और इसका इफेक्ट क्या है। तो ये सारा डिस्कशन बेसिकली 2014-15 के बाद से स्टार्ट हुआ, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया 2019 के डिस्कशन पॉइंट के लिए, और इसी वजह से आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना काफी ज्यादा है। फटाफट देखते हैं इसके बारे में क्या चीज है। तो देखिए पोलर वर्टेक्स बेसिकली होती है एक तरीके की कोल्ड सरफेस होती है जो अपर ट्रोपोस्फेयर सम टाइम एक्सटेंडिंग टिल द लोअर लेवल ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर 8-9 किलोमीटर पे होती है। ये लो प्रेशर होती है, देख सकते हैं लो प्रेशर होती है, सरकम पोलर होती है एंड द लार्ज साइक्लोनिक पार्सल ऑफ द एयर होती है। इसका मतलब क्या चीज है जरा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी पूरी की पूरी सरफेस है और यहां पर मान लेते हैं कि इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, यहां पर मान लेते हैं कि ट्रॉपिक्स का इलाका है, इस ट्रॉपिक्स के बाद में यहां पर मान लेते हैं कि सब ट्रॉपिक का इलाका है या फिर कह सकते हैं कि टेम्परेट का इलाका, और यहां पर हमारी पोलर इलाका आ जाता है। बेसिकली हम लोग 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री इसके बारे में बात कर रहे हैं। हमें पता है कि इस इलाके में यहां पर एक तो पहली बात तो इस तरीके का आपको सरफेस मिल जाएगा यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारी जो कह लीजिए कि हाइट होती है वो 18 किलोमीटर नियर अबाउट होती है और यहां पर 8-10 किलोमीटर के नियर अबाउट में होती है। यहां पर अब हमें जो सेल मिलेगा वो प्रेशर सेल कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है कि यहां पर ये सेल मिल जाती है जहां पर मूवमेंट हमारा ऐसे हो जाता है, क्लियर। सिमिलरली ये सेल हमें आगे भी इस तरीके से देखने को मिलती है, क्लियर, और लास्टली हमें एक सेल और देखने को मिलती है जो हमें इस तरीके से मिल जाती है, क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके, अब यहां पर जरा सिस्टम को देख लेते हैं। इसको हम लोग बोले थे कि ये जो है वो हेडली सेल है, ये हेडली सेल है। सिमिलरली इसको बारे में हम लोगों ने देखा था कि ये फेरल सेल है और लास्टली ये पोलर सेल हो जाती है, क्लियर हो गया क्या चीज है। यहां पर हमें पता है कि ये लो प्रेशर पे बना हुआ है, ये वाला पता है कि हाई प्रेशर पे बना हुआ है। सिमिलरली यहां पर ये लो प्रेशर का बना हुआ है और ये फिर हाई प्रेशर का बन जाता है। अगर मैं हाई प्रेशर बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं पोलर वर्टेक्स है, वर्टेक्स का मतलब होता है एक तरीके का वर्ल, वर्ल मतलब कि घुमाव। जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि टब में मान लीजिए पानी भर देते हैं और उसमें आप ये उंगली लगा करके फिर इसको घुमाने की कोशिश करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है, चारों ओर में इस तरीके की वेव्स बन जाती हैं और बीच में एक जो है वो जायर बन जाता है। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जब हम लोगों ने अपना सरगासो सी डिस्कस किया हुआ था, तो उसमें मैंने बताया था ये सिस्टम। इसी घुमाव को, इसी रोटेशन, इसी वर्ल्ड को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, और अगर ये पोलर इलाके में होगा तो इसी को हम लोग बोल देते हैं पोलर वर्टेक्स। अब सीधी सी बात है, ये जो सेंट्रल पॉइंट है ये बनेगा लो प्रेशर पे, यहां पर आप देख रहे हैं कि ये हाई प्रेशर पे बना हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक्चुअल में हाई प्रेशर एट द सरफेस बना हुआ है, लेकिन इस सरफेस के जब ऊपर ट्रोपोपॉज में या फिर अपर स्ट्रेटोस्फीयर में आएंगे तो वहां पर हमें मिलेगा लो प्रेशर, और इस लो प्रेशर के कारण से ही यहां पर एक घुमाव अगेन देखने को मिल जाता है
और इसी घुमाव को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर वर्टेक्स। दिस इज बेसिकली पोलर वर्टेक्स। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि ये पोलर वर्टेक्स तो कोशिश करेगा अपने आप को स्प्रेड करने की, इट विल ट्राई टू स्प्रेड इट आउट। अब इधर के साइड में तो कोई जगह नहीं है क्योंकि यहां पर अर्थ का एंड हो जाता है, बट यहां पर तो ऑब्वियसली स्पेस है ही। लेकिन होता क्या है कि इस पोलर वर्टेक्स को, चूंकि अब ये स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, यहां पर दो प्रोसेस है, स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब विंटर का सीजन होगा, नहीं विंटर का सीजन नहीं, समर का जब सीजन होगा तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, बिकॉज देयर विल बी अ प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट काफी स्ट्रॉन्ग क्रिएट होगी यहां पर समर के सीजन में, क्योंकि टेम्परेचर का भी डिफरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। विंटर के सीजन में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, लेकिन जब ये स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग बनने के साथ साथ यहां पर जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी काफी स्ट्रॉन्ग बन जाती है। तो जेट स्ट्रीम जब ये बनेगा विंटर में, विंटर में जब ये जेट स्ट्रीम स्ट्रॉन्ग बनेगी तो अब ये एक वॉल के तरीके से काम करना शुरू कर देगा। दिस विल एक्ट एज अ वॉल, और इस वॉल के कारण से ये जो पोलर वर्टेक्स है वो स्प्रेड नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, और इस कारण से केवल और केवल कनाडा तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन अगर इस वॉल को तोड़ दिया जाए, इस वॉल को ब्रेक कर दिया जाए, तो क्या होगा, ये पोलर वर्टेक्स जो है वो आगे की ओर में स्ट्रेच कर जाएगा, इनफैक्ट यूएसए में आ जाएगा, यूएसए के साथ साथ में फिर मैक्सिको में भी आने के फुल चांसेस है। समझ में आ गया पोलर वर्टेक्स का सीन क्या है, और थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो जेट स्ट्रीम है वो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम बनी हुई है, यहां पर सब सब नहीं, यहां पर जो है वो पोलर जेट स्ट्रीम्स हैं, दीज आर द पोलर जेट स्ट्रीम, और ये स्ट्रॉन्ग बनी हुई है। इस स्ट्रॉन्ग बनने के कारण में यहां पर आप देख सकते हैं कि जो पोलर वर्टेक्स बना हुआ है वो रुका हुआ है, और रुकने के साथ साथ ये केवल और केवल कैनेडा तक ही सीमित है। यहां पर देख सकते हैं कि ये यूएसए का इलाका हो गया है, यहां पर ये कैनेडा का अपर पार्ट आ गया है। इस अपर पार्ट में केवल पोलर जो वर्टेक्स है वो केवल और केवल कनाडा तक ही काम कर पा रहा है। लेकिन जब ये विंटर सीजन के बाद, जब ये समर सीजन आएगी और बीच में जब ये जेट स्ट्रीम वीक पड़ेगी, तो वीक होने के साथ साथ क्या होगा कि ये पोलर वर्टेक्स फिर स्ट्रेच करना शुरू कर देगा, और यहां पर जो जेट स्ट्रीम जो वीक पड़ गया है वो अब इस तरीके से बिहेव करना शुरू कर देगा, जहां पर स्ट्रेच ऑफ पोलर वर्टेक्स देखने को मिलेगा। और ये अब देख सकते हैं कि यूएसए के भी इलाके में आ चुका है। क्लियर हो गया क्या चीज है, इसको बोलते हैं हम लोग पोलर वर्टेक्स। इस पोलर वर्टेक्स का इफेक्ट हम लोगों ने देख ही लिया है कि हमें इस तरीके से आइस ब्लिजर्ड के रूप में देखने को मिल जाती है चीजें, जहां पर सारा सिस्टम जो होता है वो इस तरह से कोलैप्स कर जाता है। क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे हमारे पास अगर बात करें तो पोलर वर्टेक्स जो होती है, दी आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द जेट स्ट्रीम, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस ही किया। अगर ये वॉल ऑफ जेट स्ट्रीम जब ब्रेक कर जाती है तो वॉल के टूटने के कारण से जो पोलर वर्टेक्स है वो भी एक्सटेंड कर जाता है नीचे के इलाके, यूएस के इलाके में। इट इज फॉर्म्ड मेनली इन द विंटर एंड गेट्स वीकर इन द समर। तो ये मेनली विंटर में बनती है और वीकर हो जाती है समर में, क्योंकि अगेन वही वॉल की प्रॉब्लम है, वॉल जो है वो ब्रेक हो जाती है। तो इट सराउंड्स पोलर हाई एंड लाई विद इन द पोलर फ्रंट बाउंड्री सेपरेटिंग द टेम्परेट एंड पोलर एयर मास। क्लियर हो गया। तो ये हम लोगों ने पूरा सिस्टम देख लिया कि किस तरीके से हमारी मूवमेंट हो रही है पोलर वर्टेक्स की, जहां पर स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम के दौरान में पोलर वर्टेक्स लिमिटेड एरिया में रहेगा, रुका रह जाएगा, जबकि वही अगर जेट स्ट्रीम हमारी वीक होगी समर के मौसम में, जब वीक होगी तो फिर पोलर वर्टेक्स स्ट्रेच कर जाएगा, आगे एक्सटेंड कर जाएगा और यूएस के इलाके में भी आ जाएगा। इनफैक्ट यहां तक कहा गया है रिसर्च के माध्यम से कि नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर्स में, कमिंग ईयर्स में जब भी पोलर वर्टेक्स इस तरीके से डेवलप करेगी, देन नेक्स्ट एक्सटेंशन कैन बी अप टू मैक्सिको, मैक्सिको तक ये जा सकता है। और मतलब कि मैक्सिको तक में इस तरीके से जो आइस शीट्स हैं वो डेवलप हो सकती हैं, आइस शीट्स जो होती हैं वो रोड पे मतलब कह लीजिए कि आ सकती हैं। क्लियर हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है हीट वेव के बारे में। हीट वेव क्या चीज होती है, हीट वेव का मतलब कुछ नहीं, एक्सट्रीम वार्मिंग, काफी ज्यादा गर्म मौसम, जैसे हम लोग के यहाँ पे इंडिया में लू चलती है ना, तो लू ही एक तरीके का हीट वेव होती है। लेकिन इसको कुछ डिफाइन करने के तरीके रखे गए, डेफिनेशन के लिए कई लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपना अलग डेफिनेशन दिया, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है IMD, IMD का मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हमारा
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या बोलता है? आईएमडी के बारे में आपको पता होगा कि दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ व्हाट? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड अर्थ साइंस। क्लियर हो गया? मिनिस्ट्री को लेकर के आप लोग बहुत क्लियर रहा करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सारी डिस्कशन धरी की धरी रह जाएगी अगर आपको मिनिस्ट्री का नाम नहीं याद आता है, क्योंकि वन स्टेटमेंट कैन बी मिनिस्ट्री इन योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एक स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकता है। फटाफट देखते हैं जरा हीट वेव के बारे में। तो हीट वेव होती क्या है? एक्सट्रीम वार्मिंग, इसको हम लोग बोलते हैं हीट वेव। तो हीट वेव इज अ पीरियड ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर। जैसे मान लेते हैं कि नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, इससे जब बढ़ करके 50 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री ये अगर देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग बोल देते हैं हीट वेव। एंड दिस अकर्स ऑब्वियसली ड्यूरिंग द समर सीजन इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। नॉर्थ वेस्टर्न इसलिए क्योंकि इस इलाके में डेजर्टी इलाका है और ये वाटर स्केयर्स होती है, वाटर नहीं होती है, जिसके कारण से हीट वेव काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है। हीट वेव केवल और केवल नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, नॉर्थ वेस्ट में ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन हमें यह देखने को हमें नॉर्थ इंडिया में भी देखने को मिल जाती है। तो हीट वेव्स टिपिकली अकर बिटवीन मार्च एंड जून, क्योंकि उसके बाद तो मॉनसून का ही सीजन आ जाता है। एंड इन सम रेयर कॉन्ट्रास्ट इट एक्सटेंड टिल जुलाई, और ये जुलाई में कब होगा? जब वही एल नीनो का कंसेप्ट हो जाएगा, जिसको कि हम लोगों ने अभी मॉर्निंग में ही डिस्कस किया है। द एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड रिजल्टेंट एटमोस्फेरिक कंडीशन एडवर्सली अफेक्ट पीपल लिविंग इन दिस रीजन एज दे कॉज फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस समटाइम्स रिजल्टिंग इन द डेथ। अब जैसे इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया में हीट वेव वगैरह अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लोग अपना दुपट्टा ओढ़ करके निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वी आर यूज टू ऑफ द दिस हॉट टेम्परेचर। इस हॉट टेम्परेचर के हम लोग आदि हो चुके हैं, हम लोग इसके यूज टू हो चुके हैं। लेकिन वॉट इफ दिस हीट वेव जनरेट इन द यूरोप, यूरोप में अगर जनरेट हो जाएगा तो क्या होगा? वो लोग तो टेम्परेट इलाके के हैं, इतनी हीट तो सह ही नहीं सकते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर आए भी थे, कोलोनियल एज हुआ भी था, उस समय भी ये लोग अपना जो रहने का इलाका था, जो भी रेजिडेंट्स वगैरह थे, वो हिमाचल प्रदेश में बना के रखे थे। जैसे डलहौजी हो गया, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, ये सब क्यों नाम पड़े हैं? सब नाम पड़े हैं बेसिकली गवर्नर के ही नाम पर। ये लोग अपना टेम्परेट इलाका, ये इलाका हिल एरिया होने के कारण से ठंडा होता है, और ठंडे होने के कारण ये लोग अपना घर वहीं बना के रखे थे। तो खैर, ये यूरोप में क्या चीज होती है, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। थोड़ी देर रुक करके हम लोग देखेंगे इसको ओमेगा ब्लॉक में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड दिस इज वेरी रीसेंट कंसेप्ट। क्या चीज है देखेंगे, 2019 के करंट अफेयर्स में भी ये बना हुआ था, तो इस वजह से इसको देखना काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इसको अगर देखते हैं तो यहां पर हीट वेव की थोड़ी सी डेफिनेशंस पहले देख लेते हैं कि किस तरीके से आईएमडी ने डेफिनेशन दी है हीट वेव हम किसको कहेंगे, कितने हाई टेम्परेचर को बोलेंगे। तो यहां पर आईएमडी के हिसाब से अगर हीट वेव नीड नॉट बी कंसीडर्ड टिल मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ स्टेशन रीचेस अंटिल 40 डिग्री फॉर प्लेन एंड 30 डिग्री फॉर हिल रीजन। जैसे हिल रीजन के लिए नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो 22, 23, 24 अप टू मैक्सिमम 25 डिग्री जाता है, लेकिन अगर ये स्ट्रेच कर जाता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, उसको बोलेंगे कि अब जो यहां पर वेव चलेगी, जो भी विंड चलेगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि हीट वेव आ गया है। सिमिलरली प्लेन इलाके के लिए भी यही 40 डिग्री बोला गया है। व्हेन नॉर्मल टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ए स्टेशन इज लेस देन और इक्वल टू 40 डिग्री, अगर मान लेते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर ही कहीं का 40 डिग्री, जैसे केरला वगैरह में नॉर्थ, मतलब केरला वगैरह में 40 डिग्री इज वेरी नॉर्मल टेम्परेचर, तो वहां पर अगर नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री अगर ज्यादा देखने को मिलता है या 7 डिग्री से ज्यादा देखने को मिलता है, तो हम लोग बोलेंगे कि द एरिया विल बी अंडर हीट वेव। 40 डिग्री है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड अगर 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री तक अगर नोट किया जा रहा है वहां का टेम्परेचर, तो अब बोला जाएगा कि दिस एरिया इज अंडर हीट वेव। ठीक है, हीट वेव के अंडर में आ गया है। नॉर्मल टेम्परेचर अगर स्टेशन का 40 डिग्री से भी ज्यादा है, मतलब कहीं का टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री ही नॉर्मल टेम्परेचर है, जैसे अंडमान निकोबार वगैरह का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, तो वहां पर अगर 4 से 5 डिग्री भी अगर इंक्रीज देखने को मिलेगा या 6 डिग्री इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वहां पर हीट वेव आया है। लाइक 50 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हो जाता है, 52 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, इसको बोल दिया जाएगा कि हीट वेव के प्रकोप में आ गया है। ये क्लियर हो गया, तीनों डेफिनेशन की जो तीनों पॉइंट है आप लोग ध्यान में रखिएगा। इनफैक्ट एक और पॉइंट है यहां पर देख लीजिए कि व्हेन द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर रिमेन 45 डिग्री और मोर इररेस्पेक्टिव ऑफ नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर
हीट वेव शुड बी डिक्लेयर. तो 45 डिग्री अगर कंटिन्यूअसली बना हुआ है तो उसको भी हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन ली गई है, देखिए आईएमडी की वेबसाइट से ली गई है, तो आप इसके ऑथेंटिसिटी पे बिल्कुल भी क्वेश्चन मत करिएगा. दिस इज वेरी ऑथेंटिक. यू कैन ऑल्सो चेक एंड गो टू द आईएमडी वेबसाइट. हायर डेली पीक टेम्परेचर एंड लॉन्गर मोस्ट मोर इंटेंस हीट वेव्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली फ्रिक्वेंट ग्लोबली ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के कारण से ये हीट वेव काफी ज्यादा फ्रिक्वेंट होती हुई अब नजर आ रही है. इंडिया टू इज फीलिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड instances of heat wave which are more intense in the nature with each passing year. तो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा दिक्कतें सहने को मिल रही हैं. इस heat wave में थोड़ी सी और पॉइंट देख लीजिए कि higher daily peak temperature and longer more intense heat wave are becoming increasingly frequent due to the climate change. इसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है. इसके बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट आता है एंड द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास, ओमेगा ब्लॉक. काफी इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, 2019 के करंट अफेयर्स में भी बना हुआ था. हम लोगों ने एक चीज देखा हुआ है कि सपोज दिस इज आवर अर्थ. इस अर्थ पे हमें पता है कि यहां पर चल रही होती है जेट स्ट्रीम. दिस इज जेट स्ट्रीम का इलाका, पोलर जेट स्ट्रीम. ये लिमिटेड इलाके हैं 60 डिग्री के नियर अबाउट में. यहां पर पोलर वर्टेक्स है. दिस इज पोलर वर्टेक्स. पोलर वर्टेक्स ये डेवलप ऑब्वियसली विंटर प्लस समर दोनों ही टाइम पे रहेगा. लेकिन जब ये पोलर वर्टेक्स चेंज होता है और चेंज होने के कारण हमें इस जेट स्ट्रीम में अगेन चेंजिंग देखने को मिलती है, तो ये चेंजिंग कुछ हमें इस तरीके से एक्सटेंडेड वर्जन में देखने को मिल जाती है. तो ये जो एक्सटेंडेड वर्जन है, इस कारण से नीचे की जो हीट वेव्स है वो ऊपर में भी जाना शुरू कर देती है. मतलब कि ये जो इलाका है यूरोप का, इस इलाके में भी आना शुरू हो जाती है, जिसके कारण से जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द यूरोप है वो काफी हाई हो जाता है, जिसके कारण से अगेन इसे हीट वेव बोलना शुरू हो जाता है. इसका शेप अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये ओमेगा शेप का देखने को मिलेगा. दिस इज द टर्म ओमेगा. फिजिक्स में जनरली इसका टर्म यूज होता है और इसी वजह से इसको बोला गया है ओमेगा ब्लॉक. दिस इज ओमेगा ब्लॉक. ये बेसिकली है क्या, ये है यूरोप में हीट वेव. दिस इज यूरोप में हीट वेव. तो क्लियर हो गया क्या सिस्टम है हीट वेव का, ओमेगा का मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया. तो दिस इज द ऑल थिंग अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इन चैनल्स का यूज करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच.